डेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखेंगे इफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज डीएक्स प्लस सी, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या है डीएक्स प्लस सी, देन एफ एक्स डीएक्स ऐसे लिखते हैं सिंबल्स, और यहां ए इसे यहां लिखते हैं बी, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इट इज नोन एज अपर लिमिट, दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर हम इस एफ एक्स को इंटरवल ए से बी में, इस लिमिट ए से बी में इंटीग्रेट करें तो उसको लिखने का तरीका यह है, जिसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल ए टू बी, और इसको इंटीग्रेट करते हैं जब हम लोग डी ऑफ एक्स प्लस सी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं इसमें एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट रखते हैं तो बन जाएगा जी ऑफ बी प्लस सी, फिर एक्स के प्लेस पे लोअर लिमिट रखते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे जी ऑफ ए प्लस सी, ये सी हर बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंडेफिनेट में हम लिखते हैं यहां पर वैल्यू हो गई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है, यही है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल ए टू बी, ए से बी इंटरवल में इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। नोट करेंगे, लिखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या पढ़ा जाए ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स, किसको रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b apex dx represents, ये एरिया नहीं है, ये भी एरिया एक अलग टॉपिक है, इसमें और उसमें डिफरेंस है, अलजेब्रिक समाप्त एरिया a to b apex dx represents अलजेब्रिक समाप्त एरिया, अलजेब्रिक समाप्त एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx, लाइन x is equal to a, x is equal to b and x axis, a to b fx dx represents algebraic sum of areas bounded by curve y is equal to fx, line x is equal to a, x is equal to b and x axis, algebraic sum of area को represent करता है, क्या मतलब है इसका देखिए हमारे लिए कोई कर रहा है a से b, ये कोई वैल्यू होती है हो सकती है नेगेटिव हो पॉजिटिव, x is equal to a से x is equal to b की तरह है, मान लीजिए ग्राफ y is equal to fx ऐसे है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, x एक्सिस के नीचे भी आ सकता है नहीं भी आ सकता, ऊपर ही रहे कंप्लीटली नीचे रहे कट कर रहा हो, कोई भी ग्राफ डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस आ सकते हैं। अब आपसे कहा गया a से b तक डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर इसका कैलकुलेट करें a टू b fx dx, मान लीजिए ये एरिया a1 आता है, ये एरिया a2 आ रहा है, ये एरिया a3 आ रहा है, अगर आपसे कहा जाए you find the area bounded by y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x axis, तो आंसर क्या होगा a1 plus a2 plus a3, अगर एरिया पूछा गया, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा गया तो a1 plus a3 minus a2, जो x axis के नीचे आ रहा है वो एरिया किससे आएगा माइनस साइन से, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, ठीक है, ये a2 की fx dx की वैल्यू होगी a1 minus a2 plus a3 plus a2, एरिया अबव एक्स एक्सिस
comes with plus sign, and below x-axis comes with minus sign. Indefinitely, definitely is okay. The x-axis two पर आ रहा है वो plus से और जो नीचे आ रहा है वो minus से आ रहा है वो है algebraic sum of area. डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है. a1 प्लस a3 a2 के बराबर जीरो आ गई. a1 प्लस a3 a2 से ज्यादा है पॉजिटिव आ गई, कम है तो नेगेटिव आ गई. समझ रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरिया जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, अगर x एक्सिस हो गया तो जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं आ सकता. अभी बढ़ने से पहले अगर ये क्वेश्चन लिखा जीरो से टू पाई साइन एक्स डी एक्स, जीरो से टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, जीरो क्या होगा इसमें? जीरो से टू पाई साइन एक्स. अगर आप इंटीग्रेट करते हो लिखते हो माइनस कॉस एक्स जीरो से टू पाई, ये माइनस बाहर ले सकते हैं, ये नंबर है ये आप, ठीक है, या अंदर भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है. माइनस पहले रखा टू पाई कॉस टू पाई की वैल्यू वन, माइनस की लोअर लिमिट रखोगे कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो. या फिर देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए दिया भी क्या आप इंटीग्रेट करें फिर वैल्यू रखें. इस पार्ट को समझिए, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है ना साइन एक्स का ग्राफ. अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया क्या होगा? ये भी ए ही रहेगा एरिया तो. और डेफिनेट इंटीग्रेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया तो ए माइनस ए आएगा, और ए माइनस ए आएगा तो वैल्यू क्या होगी? जीरो. तो हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया को ही रिप्रेजेंट करना, इंटीग्रेट करके देख लें या उससे देख लें. माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डी एक्स सिंपल जीरो. देखते हैं क्या करेंगे. अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऐसे लिखोगे x पावर 4 बाई 4 माइनस 1 से 1, 1 रखोगे 1 बाई 4, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 का पावर 4 कितना होगा? 1. कितना है? पहले अपर लिमिट फिर माइनस टाइम्स लोअर लिमिट. ग्राफ के लिए x क्यूब पावर फंक्शन होता है, ऐसे ग्राफ होगा ओरिजिन के वर्ड से माइनस 1 से 1, ये माइनस 1 ये 1. अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया अगर ये ए है तो ये भी ए, लेकिन एक एक्स एक्सिस के नीचे है और दूसरा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो माइनस ए प्लस ए कितना होगा? सिमेट्री. उस पॉइंट को समझने के लिए ग्राफिकल अप्रोच को ये एग्जांपल ले. नेक्स्ट लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले देखते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन से if f x is greater than u, for every x belongs to a to b, greater than zero का मतलब क्या? ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनेगा. ग्राफ किसका बनाते हैं हम लोग? y बराबर f x. f x के पॉजिटिव होने का मतलब y पॉजिटिव है. ग्राफ मान लीजिए ऐसे, क्या कहोगे इसके लिए? अगर आप a टू b f x dx इंटीग्रेट करते हो उसकी वैल्यू क्या आएगी? वो भी ग्रेटर देन 0 आएगी. तो ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया पॉजिटिव है. बोलिए कोई प्रॉब्लम है? तो ये पॉजिटिव आएगा ना, x एक्सिस के ऊपर है.
Second, if fx is less than 0 for every x belongs to A to B, then definite integration A to B fx dx less than 0. अगर सभी x के लिए फॉर एवरी x fx नेगेटिव है, मतलब ग्राफ x एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव हो तो हम ये नहीं कहेंगे ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव है तो ये नहीं कह सकते कि हमेशा पॉजिटिव हो, लेकिन हमेशा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो क्लियरली डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव हो. अच्छा डेफिनेट इंटीग्रेशन यही जीरो लिखा हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, ये जीरो है, अलग अलग है, ए और बी डिफरेंट है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है जीरो एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, वो तो ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, तो ऊपर कितना है कितना नीचे ये बोल नहीं सकते, ग्राफ सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, a to b fx dx जीरो है और fx कंटीन्यूअस भी दिया हुआ, तब हम बोल सकते हैं डिसकंटीन्यूअस हो तो नहीं बोलेंगे कि fx एक्सिस कट करेगा, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, मतलब एक्सिस कट करेगा कंटीन्यूअस है, ये हम कर सकते हैं, देन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx विल कट x एक्सिस, या ये कह सकते हैं fx इक्वल टू 0 का विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट इन इंटरवल ए टू बी, इस इंटरवल में इसका कम से कम एक रियल रूट होगा, ओपन इंटरवल में कर सकते हैं, ओपन इंटरवल में भी आएगा, ओपन इंटरवल में तो क्लोज में भी आ जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, ग्राफ सिमेट्रिकल होना कोई जरूरी नहीं, जीरो इससे पहले ऊपर पॉइंट था इतना ऊपर, मतलब एक बार कट जरूर कर रहा होगा कॉन्टिन्यूस है, कम से कम एक रियल रूट होगा, डिसकंटीन्यूअस है तो हो सकता है कि रियल रूट हो सकता है ना, हो सकता है ये डिसकंटीन्यूअस है इस पॉइंट पे, तो हम ये कहेंगे f a टू b कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है और फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो इसके बीच में इस fx बराबर 0 का कम से कम एक रियल रूट होगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, कोई डाउट पर बेस्ट ये क्वेश्चन लिखें, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, will have at least one real root in open interval 0 to 1. If 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, अगर ये दिया हो तो प्रूव करना है कि ये इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होगा 0 से 1 के बीच, बनाइए से इसी बात से प्रूव करें, 2a plus 3b plus 6c is equal to 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट 0 से 1 में मिलेगा, एक कांसेप्ट लगाना है, वैसे एटलीस्ट वन रियल रूट इस तरह के कांसेप्ट कहां थे पहले,
अभी तक कहाँ पढ़े हो? कंटिन्यूटी में पढ़े थे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, ठीक है? फिर यहाँ पे पढ़ रहे हो, और फिर आगे एक पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 टू 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। फंक्शन कैसा है? क्वाड्रेटिक है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, पॉलीनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूस। इंटीग्रेट कीजिए इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या है? ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस c x, लिमिट है 0 से 1, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की जरूरत होती नहीं, लिमिट रखिए, और रखेंगे कितना आएगा? a अपॉन 3 प्लस b बाई 2 प्लस c, 0 रखेंगे तो आएगा 0, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 6 एलसीएम लिया तो 2a प्लस 3b प्लस 6c, ये बना, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0, तो 0 अपॉन 3 0 आ गए, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, ये फॉरवर्ड लिख रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो इस क्वाड्रेटिक fx बराबर 0 इसका कम से कम एक रियल रूट 0 से 1 में होगा, देयरफोर a की वैल्यू भी, देयरफोर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल इक्वल टू 0 विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट इन 0 टू 1। तो रही कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई? चलो फिर और पॉइंट्स इस पर अगली क्लास में करेंगे।